अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। वेलकम है आप लोगों का यम्स एंड मम्स में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लेंगे और उसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। साथ ही चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे उसमें, और उसके साथ ही ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। साथ ही ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बोनलेस चिकन, 1/2 kg लिया है हमने छोटे छोटे पीसेस में, और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड कर लिया था रेड चिली पेस्ट 1 चम्मच, और अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस के बाद अब जाएगा इसमें चिली सॉस और सिरका। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और टिक्का मैक्रोनी मसाला। ये सब इसमें ऐड करके उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 lemon, और साथ ही ऐड करेंगे 1 glass पानी। पानी ऐड करने के बाद फिर ढक देंगे, और साथ ही एक पतीले में हम बटर लेंगे। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। अब हमने ली है ये सब्जियां। सब्जियों में हमने लिया है शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। गाजर को हमने क्रश कर दिया था और बाकी सब्जियां हमने काटी हैं, और ये हरी प्याज भी ली है हमने। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई गाजर। गाजर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही हम बाकी सब्जियां भी ऐड कर देंगे। सारी सब्जियां ऐड करने के बाद अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर, और वाइट पेपर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च। काली मिर्च हम थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें वाइट पेपर भी ऐड किया था। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी स्पैगेटी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, सिरका और चिली पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे घर के मिक्स मसाले। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाट मसाला ऐड कर दें। अब इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे इसमें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप, और अब ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। ये सब ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। इसकी स्पैगेटी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपको इतना स्पाइसी नहीं पसंद तो आप मसाले स्किप कर सकते हैं या मसाले अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ ही हमने चावल बॉईल कर लिए थे, अब हम बनाएंगे अपनी प्लेट। सबसे पहले हमने चावल रख दिए इसमें, और चावलों के ऊपर ऐड कर रहे हैं स्पैगेटी। स्पैगेटी से अच्छे से हम इसे फिल कर देंगे ऊपर। नीचे की लेयर चावलों की होगी, उसके ऊपर स्पैगेटी होंगे, और उसके ऊपर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था। और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉस जो हमने रेडी किया था, और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए थे हम। और इसमें हमने ऐड की थी 3 चीज़ें, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और मायनीज। इन 3 चीज़ों से ये सॉस रेडी किया था, और ये इस तरह से कुछ इसकी लेयर बना दी थी ऊपर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑर्गेनो। अब हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास बाकायदगी से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।